एंड वेलकम टू कैंपस वाला, आई एम साक्षी जैन और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा के MBBS प्रोग्राम के बारे में। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा, ऑल्सो नोन एज GMC खंडवा, एस्टैब्लिश हुआ था 2018 में, यानी कि काफी नया कॉलेज है ये। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉलेज गवर्नमेंट है और ये एफिलिएटेड है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर से। बात करें अगर अप्रूवल या रिकॉग्नाइजेशन की, तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर या सीट्स की। तो सीट्स को देखें तो सीट्स हैं टोटल MBBS की 120। ऑल इंडिया कोटा के अंदर 18 सीट्स आती हैं, स्टेट के अंदर 91 सीट्स और अदर सीट्स जो हैं वो है 11। फीस को देखें तो MBBS की फीस आपको पड़ेगी पर ईयर अराउंड 1,25,000 रुपीज। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस की। एलिजिबिलिटी काफी सिंपल है। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 12th क्लास में, और उसका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, स्टूडेंट का नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि काफी ऑब्वियस है। कट ऑफ को देखें एज पर 2019, तो जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग एडमिशन था वो था 535 मार्क्स पे सेकंड काउंसलिंग के पे। जितने भी मैं कट ऑफ बताने वाली हूँ वो सारे सेकंड काउंसलिंग के होंगे, फर्स्ट काउंसलिंग या लास्ट काउंसलिंग के नहीं। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग एडमिशन था वो था 528 मार्क्स पे, एससी कैटेगरी के लिए 411 मार्क्स पे एंड एससी कैटेगरी के लिए 313 मार्क्स पे। क्लोजिंग एडमिशन मींस इससे नीचे बच्चे को एडमिशन नहीं मिला होगा, क्योंकि कॉलेज जो है वो काफी नया नया खुला है, तो इसका बाकी गवर्नमेंट कॉलेज से कट ऑफ स्लाइटली कम जाता है। दो कॉलेजेस के कट ऑफ हर साल बढ़ते या घटते रहते हैं, बट इनसे आपको एक रफ आइडिया जरूर लग सकता है आपके मार्क्स के हिसाब से कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन की। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा की सीट टारगेट कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा MCC की वेबसाइट पे, क्योंकि वहां से आपको 15% ऑल इंडिया की सीट जो है वो दिखती है और आप उनमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप स्टेट सीट के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको MPDME की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, या फिर आपको जानना है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, या जानना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे स्टेट काउंसलिंग के लिए या फिर जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती है उनके लिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी भी एक काउंसलिंग टीम है जो कि आपको पूरे प्रोसीजर में गाइड कर सकती है और आपकी हेल्प कर सकती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे और ऐसे नए वीडियोज में। थैंक यू।